वहीं आपको बता दें कि हिमाचल की चार लोकसभा सीटों पर 19 मई को प्रदेश की जनता अपने संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का चुनाव करेगी। अब ऐसे में जनता टीवी शिमला संसदीय सीट की जनता की नब्स चटोल ने गुम्मा बाजार में चौपाल लगाई और संवाददाता विकास शर्मा ने जानने की कोशिश की कि आखिर शिमला की जनता का मूड क्या है। 2019 के लोकसभा के चुनावों के लिए जनता टीवी का कारवां जो है वो शिमला से निकल चुका है, अपने अगले पड़ाव की तरफ आपको दिखाएं। ये गुम्मा बाजार है जो कि कोटखाई का इलाका है। सेब बागवान जो हैं वो ज़्यादातर इसी इलाके में देखे जाते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा कारोबार अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि सेब कारोबार जो है वो इसी इलाके से होकर जो है वो यहाँ से मैदानी इलाकों में जाता है, बाहरी राज्यों में जाता है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अब सांसद हैं, बीजेपी के सांसद रहे, पिछले 10 साल से आपने सांसद में उनको भेजा है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या चल रही हैं यहाँ पे और किस आधार पे वोट किया जाना है? देखिए, जहाँ तक वोट देने की बात है तो यहाँ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, हम उनको देख कर जो है वोट देंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक जितनी भी ज़रूरतें हैं वो उनके द्वारा पूरी की जाएगी। अब जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है वो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव, आपके सांसद ने कोई काम किया है यहाँ पर? जो 10 साल सांसद रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं बीजेपी के, क्या कोई काम धरातल पर कोई नज़र आता है यहाँ? बहुत सारे काम किए हैं, और अब देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ में वो थे तो अभी 14th फाइनेंस कमीशन का पूरा पैसा जो है पंचायतों में डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है जी। और सेब के लिए उन्होंने जो है संसद में बात उठाई, वो अलग बात है कि भाई उसमें स्टेज लगे हुए हैं, जो पोर्टल्स बंद किए थे, एक बॉम्बे का पोर्टल खुला रखा था, उसको बाद में जो स्टे लगने के बाद पूरे पोर्टल खुल गए, जहाँ से फिर सेब का आयात दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने अपने से कोशिश करी है, हमारी आरती की सेब है, सेब के लिए जो आदमी काम करेगा या बात करेगा हम उसी को निश्चित तौर से वोट देंगे। तो सेब जो है वो काफ़ी, क्योंकि आपको बता दें कि 4,500 करोड़ की जो इकोनॉमी है वो इसी सेब के ऊपर जो है वो टिकी है, और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य में से आता है जहाँ से 4,500 करोड़ का सेब जो है वो बाहरी राज्यों में जाता है या फिर देश से बाहर भी जाता है। तो ऐसे में कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। राजेंद्र। आपको क्या लगता है कि 10 साल में जो यहाँ के सांसद हैं वीरेंद्र कश्यप, आपने उनको सांसद जो बनाया है, किस तरह के काम उन्होंने किए हैं, किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? बढ़िया काम किए हैं, और मोदी जी ने सारा काम बहुत बढ़िया किया। इस बार वोट किसको देने वाले हैं? मोदी जी। तस्वीर बिल्कुल अलग है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से सेब बागवान जो है कितना मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, ऐसी पहाड़ियों पर चढ़कर सेब के बगीचे के लिए करना। आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ पर एक सेब का बगीचा है जिसे हेल नेट से है जो पूरी तरह से ढका हुआ है, तो ऐसे में हेल जो है यानी कि ओलावृष्टि जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाकों में खास तौर पर रहता है। वहीं सेब की ढुलाई जो है वहाँ तक सड़क ना पहुँच पाना बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो रहता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, आप बताइए अपना नाम बताइए। गोविंद चौहान। आप प्रधान हैं यहाँ पर? हाँ, व्यापार मंडल का प्रधान हूँ मैं। अच्छा, तो व्यापार मंडल क्या कहता है, किस ओर जो है वो अब रुख है, क्योंकि अब हवा जो है वो मोदी की तरफ यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो यहाँ का रुख है ज़्यादातर हम मोदी जी के साथ हैं। अपने सहयोगी गजेंद्र के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।